हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा सातवीं का लेसन थ्री है, इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन थ्री है द वाइज मैन सेकंड। इसके हिंदी अनुवाद इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू करेंगे। सेकंड पार्ट यहाँ तक मैंने समझा दिया था फर्स्ट पार्ट में। शांति बोल रही है, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स। डिड यानी क्या? जब भी बच्चों हेल्पिंग वर्ब जैसे डी, डिड, डू, इज, एम, आर, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर ये आगे आ जाए तो इसका मतलब क्या निकलेगा, ठीक है? तो शांति ने बोला, क्या यू यानी तुम गेट रिड, गेट रिड यानी होता है बच्चों पीछा छुड़ाना, ऑफ दिस हॉर्स। तो उस शांति ने बोला, क्या क्या तुम उन हॉर्स से पीछा छुड़ा आए हो? तो भोला स्माइल्ड, स्माइल की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्माइल्ड हो जाएगी। तो भोला मुस्कुराया एंड रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, यस माई डियर, यस यानी हाँ, माई डियर यानी मेरी प्रिय, ठीक है? अब शांति बोल रही है, वाट, वाट का मतलब क्या, ठीक है? वाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, ठीक है? वाट यानी क्या, यू यानी तुम, ब्रॉट यानी लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ठीक है? फॉर मी यानी मेरे लिए, मी यानी मुझे या मेरे लिए। तो उसने बोला, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, ठीक है? या फिर मेरे लिए आप क्या लाए हो, ठीक है? इसका ऐसा हो जाएगा, मेरे लिए, जब भी ये निकले तो वाट आगे आ जाए, या कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, वाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है? तो ये बीच में बोलते हैं, जैसे कि आप मेरे लिए क्या लाए हो, ठीक है? बाकी अगर हेल्पिंग वर्ब पीछे आगे आ जाए तो हमें क्या पहले लगाना है, और जब इस तरह से आ जाए, हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगी लेकिन क्वेश्चन वर्ड भी आगे आ जाए तो ये बीच में यूज होंगे, जैसे कि आप मेरे लिए क्या लाए हो। अब इसमें क्या कहाँ बोल रहे हैं, हम हिंदी वाक्य के बीच में बोल रहे हैं, ठीक है? एंड और हूँ, हूँ यानी कौन, आर डीज डेंटलमैन, और यह कौन, जेंटलमैन यानी भद्र पुरुष कौन है, ठीक है? तो भोला बोला, आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, यानी कि मैं, ब्रॉट यानी लाया हूँ, समथिंग यानी कुछ वस्तु, स्पेशल फॉर यू, स्पेशल यानी विशेष या महत्वपूर्ण वस्तु, यानी फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, यानी कि मैं तुम्हारे लिए या आपके लिए कुछ स्पेशल वस्तु लाया हूँ। डीज जेंटलमैन यानी कि ये जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स, यानी कि जो ये भद्र पुरुष हैं, जेंटलमैन को बोलते हैं बच्चों भद्र पुरुष, हैं माई न्यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स यानी मेरे नए दोस्त हैं। तो शांति बोल रही है, वाट इज इट, यह क्या है, ठीक है? अब उसने कुछ चीज देखी तो वो बोल रही है, यह क्या है? तो भोला बोल रहा हैव पेशेंस डियर, यानी कि धैर्य रखो, ठीक है? धैर्य रखो प्रिय, डियर यानी प्रिय। आई सोल्ड, तो बच्चों सेल यानी बेचना, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड हो जाएगी। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, यानी कि आई सोल्ड द हॉर्स यानी कि मैंने एक जो घोड़ा था वह बेचा, फॉर अ डंकी यानी एक घोड़े के लिए, मैंने जो घोड़ा था वह इस घोड़े के लिए बेचा। तो शांति बोली, ओह गुड, यानी कि ओह अच्छा, वी सेल यूज इट इन आवर फील्ड, यानी कि वी उपयोग करेंगे, विल और सेल का यूज में गागी गे में होता है, जब भी फ्यूचर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें विल और सेल का यूज होता है। तो ये बात जो हो रही है ना बच्चों, फ्यूचर की हो रही है, ठीक है, भविष्य की, तो भविष्य में गागी गे आता है, तो यूज करेंगे यानी कि हम, वी यानी हम यूज करेंगे या उपयोग करेंगे इट, यह इन, इन यानी में, अवर फील्ड, फील्ड यानी खेत में, यानी कि जो आप ये गजा लेके आए हो इसका यूज हम
इसका उपयोग हम हमारे खेत में करेंगे, ठीक है, या खेत के काम में करेंगे, कुछ भी बोल सकते हो। भोला बोला, बट डियर, बट यानि लेकिन, डियर यानि प्रिय। आई एक्सचेंज, एक्सचेंज यानि होता है बदला, यानि कि बदल लेना, ठीक है। आई एक्सचेंज द हो द डंकी फॉर अ शिप, लेकिन मैंने उस डंकी को, घोड़े को बदल दिया। फॉर अ शिप, लेकिन मैं उसके उसे बदल कर क्या ले आया, भेड़ लिया। मतलब उसने उस घोड़े को बदल कर क्या ले ली, भेड़ ले ली। तो उसकी पत्नी बोली, डेट्स इवन बेटर। डेट्स इवन बेटर का मतलब होता है बच्चों, यह उससे भी अच्छा है, ठीक है। क्या होता है, यह उससे भी अच्छा है। वी शैल हैव पेंटी, सॉरी प्लेंटी, इसको बोलेंगे हम प्लेंटी, ठीक है, ऑफ वूल, यानी कि यह उससे भी अच्छा है। वी यानि हम, सेव पास प्लेंटी ऑफ वूल, यानी कि हमारे पास, हैव यानि पास भी होता है, हमारे पास प्लेंटी यानि बहुत अधिक मात्रा, प्लेंटी यानि क्या होता है बच्चों, अधिक मात्रा, ऑफ वूल, वूल यानि ऊन, यानी कि हमारे पास, यह तो और भी अच्छी बात है। मतलब जब उसने भेड़ ले ली तो उसकी पत्नी ने बोला, यह तो और भी अच्छी बात है, अब हमारे पास क्या होगी, बहुत सारी ऊन होगी, वूल यानि ऊन होगी। तो भोला बोला, बट लेकिन, देन आई सोल्ड, लेकिन मैंने उसे बेच दिया, फॉर ए हैन, और मैंने मुर्गी खरीदी, यानी कि ये बोल रहा है, बट आई सोल्ड इट फॉर ए हैन, यानी कि मैंने उसे बेचकर क्या खरीदी, मुर्गी खरीदी, ठीक है बच्चों। बच्चों इसका ये थर्ड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।